स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन अगर 10,000, तो यार इसी टॉपिक की बात करेंगे। बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा, तो बात करते हैं नंबर 5 की। तो यार नंबर 5 को एंड नंबर 4 को मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने कंबाइन कर दिया, बिकॉज भाई अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए आप इन दोनों स्मार्टफोन्स की और जा सकते हो। मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी M12 की एंड मैं बात करूँ Moto G10 Power की। अगर मैं इन दोनों के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं Moto G10 Power की। तो मोटो लवर्स के लिए बेस्ट डील हो सकती है Moto G10 Power। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो एंड ये आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि 6.5 इंच की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलती है। आपको इसमें स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 460 जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्मार्टफोन जो है वो एक वेरिएंट में देखने को मिलता है, मतलब 4GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, प्लस आपको 64GB स्टोरेज मिल जाती है, प्लस आपको डेडिकेट स्लॉट भी देखने को मिल जाती है, तो स्टोरेज का कोई पंगा नहीं रह जाता। क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ आता है। 4K वीडियो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 20W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्लस ये दो कलर में आता है, ग्रे कलर में एंड ब्लू कलर में। तो भाई अगर आपको बिग बैटरी चाहिए या अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है या अगर आपको लाइक मोटो लवर हो मोटो की ओर जाना चाहते हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। आप जा सकते हो, लिंक मैंने प्रोवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पे यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M12 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको PLS IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। आपको प्रिंटिंग की बात करूँ एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करते हैं, 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आपको बेस जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपने इस पे गेमिंग करनी है आप इस स्मार्टफोन पे भी कर सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मार्च 2021 मॉडल है, नया फोन लॉन्च हुआ है। अगर आपने इसके और जाना है आप जा सकते हो। माइनस पॉइंट की बात करूँ, प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलता है तो केस डालकर ही इसको यूज करना पड़ेगा। आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल के साथ, प्लस आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर्स में देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 15W का फास्ट चार्जर इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स के बता दिए। दोनों नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, 10,000 के प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी M12 है उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो भाई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो थोड़ा सा, तो अगर आपने सैमसंग की और ही जाना है आप इस स्मार्टफोन की और जा सकते हो। नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग भी कर सकते हो। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है जो सैमसंग का फोन बताया। अगर आपका बजट 10,000 है तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Moto G10 Power। आप इसकी और जा सकते हो, ये भी आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक आउट करना चाहते हो आप स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। तो देख लेना आपका बजट जो है, बजट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूं पे यार मैंने रखा है Macromax In1 को। तो सबसे पहले भाई अगर आपको एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 6.67 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करूँ इसमें आपको Helio G80 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। मतलब अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग वगैरह करनी है आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो। उसके बाद आपको ये दो वेड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है 4GB रैम के साथ एंड 6GB रैम के साथ। दोनों का जो प्राइस रेंज है वो अलग होने वाला है, स्टोरेज वेरिएंट भी आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। 4GB रैम के साथ आपको 64GB स्टोरेज मिलेगा एंड 6GB रैम के साथ आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डेडिकेट स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, तो यार स्टोरेज का कोई पंगा नहीं रह गया। आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलता है। पहले मैं 44 कहने लगा था लेकिन 48 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलता है जो कि पिक्चर्स क्वालिटी इसकी अच्छी है। अगर आपने चेकआउट करनी है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप YouTube पे सर्च आउट कर लेना। आपको 8 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है, प्लस फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। दो कलर्स में आपको देखने को मिलता है, ब्लू कलर में एंड पर्पल कलर में। जो मतलब आपको कलर सही लगता है आप उस कलर की ओर जा सकते हो। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए Macromax In1 के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप जा सकते हो। नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, बैटरी सही चाहिए, रिवर्स चार्जिंग चाहिए, या मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, या स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है Macromax In1। तो अगर आपने चेकआउट करना है लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जो मैं आगे फोन बताऊंगा वो इससे भी बेस्ट होने वाले। तो आगे बात करते हैं नंबर 2 की।
नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखा है पोको एम थ्री को। तो सबसे पहले भाई अगर आपको डिज़ाइन कलर वगैरह मैटर करते हैं आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, बिकॉज आपको लाइक ये 10 से 11 हज़ार के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन इसका डिज़ाइन, इसके लुक एंड इसकी कलर वगैरह सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ आती है। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग करनी है आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो। 4 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, 3 कलर्स में आता है, इसको येलो कलर बहुत सूट करता है। 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए तब भी आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 48 MP के साथ, बट आपको 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको पोको M3 के भी बता दिया भाई, इसका लुक डिज़ाइन कलर वगैरह सच में बहुत अपर है, प्रोसेसर तगड़ा मिल जाता है, उसके बाद आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपको ये स्पेसिफिकेशन चाहिए आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया था मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ एक बार आप चेक आउट कर लेना। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, अगर आपको प्रोसेसर सही चाहिए, उसके बाद अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए, उसके बाद अगर आपने मल्टी टास्किंग वगैरह करनी है पोको ब्रांड की ओर जाना चाहते हो, सभी के लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने नहीं चाउट किया था सभी को चाउट कर लेना, जो प्राइस में सेट बैठता है या जो फोन आपको सही लगता है आप वही परचेज करना। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ पे यार मैंने रखा है Realme Narzo 30A को। तो यार इसको नंबर वन पर इसीलिए रखा बिकॉज 10,000 से लेके मतलब 9,000 के प्राइस से लेके 10,000 के बजट रेंज में ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है, बिकॉज Realme एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको सही मिल जाते हैं, लुक डिज़ाइन वगैरह भी आपको पसंद आने वाला है, इसके कलर वगैरह सच में बहुत प्यारे हैं। 2 GB में स्मार्टफोन मिलता है, 3GB रैम के साथ, 4GB रैम के साथ, स्टोरेज ग्रेड आपको डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक वगैरह भी नॉर्मली देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, 2 कलर्स में आता है, ब्लैक कलर में एंड ब्लू कलर में, 2021 मॉडल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डुअल कैमरा मिल जाता है लेकिन आपको 4K वीडियो ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Realme Narzo 30A के भी बता दिया, अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। डिज़ाइन लुक वगैरह इसका भी बहुत अपर है, गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, प्लस आपको कैमरा में ऐसे कई फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि आपकी पिक्चर्स क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं, लेकिन आपको वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती, जो कि सच है। 10,000 के बजट रेंज में आप इतना भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इतना भी आपके साथ नहीं होने वाला। तो अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, जितने भी स्मार्टफोन बताएं वो आपके लिए सभी बेस्ट होने वाले हैं यार, किसी की और भी जा सकते हो, ठीक है। सभी के बाकी लिंक मैंने आपको पहले भी बता दिया, बार बार रिपीट कर दिया, अभी मेरी वीडियो यार यहीं पर हो जाती है खत्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा डीपली नहीं बताया मैंने बिकॉज वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कहते हो यार वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया, सो दैट्स वाई। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कहना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।